हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑब्वियस गेन्स एंड लॉसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यानी जो प्राइवेटाइजेशन आया, गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर दिया था, तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिला और क्या नुकसान हुए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑब्वियस गेन्स, यानी हमें क्या फ़ायदे मिले। प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्रेफर्स सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। यानी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट यानी खुद का इंटरेस्ट, खुद को पहले देखती हैं, बाद में सोशल इंटरेस्ट यानी लोगों को या लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचती हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स वर्क विद 100% कमिटमेंट एंड एफिशिएंसी। सो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, वो 100% कमिटमेंट और एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, एकदम मतलब मन लगा के दिल से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें अपना खुद का भला करना है। ठीक है, अब क्या भला करना है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। सो इट लेड्स टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुई, क्योंकि जब सब काम अच्छे से होगा, वेस्टेज नहीं होगी किसी चीज़ की, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्राइवेटाइजेशन ब्रिंग्स कॉम्पिटिशन इन मार्केट। प्राइवेटाइजेशन आया तो मार्केट में कॉम्पिटिशन आया, जब गवर्नमेंट कंपनी थी तब कॉम्पिटिशन नहीं था, वो सारे जो थे उसके वर्कर्स या फिर मैनेजमेंट सब आलसी थे, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ की वजह से कंपटीशन आया, चाहे वो डोमेस्टिक हो यानी अपने देश में ही, या फिर इंटरनेशनल हो या बाहर के देश से भी कंपटीशन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हुआ, यानी अर्बन एरियाज़ बढ़ने लगे। अब जब सब कुछ जो है बेहतरीन होने लगेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगेगा, तो अर्बनाइजेशन बढ़ने लगेगा और सब कुछ मॉडर्न होने लगेगा, सब कुछ एडवांस होने लगेगा। कॉम्पिटिशन की वजह से ही तो नए नए इन्वेंशन होते हैं, है ना। आगे देखो, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और अलग अलग तरीके से होने लगी, नए नए मशीन्स आने लगी। सो प्राइवेट सेक्टर इज़ कैपेबल ऑफ रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ। सो प्राइवेट सेक्टर की वजह से क्या हुआ, ग्रोथ एक अलग ही लेवल पर पहुँच गई थी। ठीक है, एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट हो गया था कि आगे बढ़ना है और इससे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट है इसका, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सोवर्निटी विच इम्प्लाइज नाउ कंज्यूमर्स हैव वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब से प्राइवेटाइजेशन आया है तब से कंज्यूमर सोवर्निटी का इधर क्या मतलब है कि अब कंज्यूमर जो है वही किंग है मार्केट का, कंज्यूमर जैसा चाहेगा, जो चाहेगा वैसे ही गुड्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, कंज्यूमर की ही सुनी जाएगी। अब कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी चॉइस है और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि जो गुड्स बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उनके मुताबिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि ख़रीदना ही उन लोगों ने है। नेक्स्ट इसमें अपना है इम्पेरेटिव लॉसेस, यानी प्राइवेटाइजेशन आया तो कुछ नुकसान भी हुए। वो क्या हमें नुकसान थे, फर्स्ट है आपका, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है किसको ज़्यादा जोर देता है, किस पे, सेल्फ इंटरेस्ट पे ओवर सोशल इंटरेस्ट। यानी सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब है अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, उनका मेन मोटिव क्या होता है, हमें सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाना है, बात ख़त्म, चाहे सामने वाले को जहर बेचते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइवेटाइजेशन एनकरेजेस फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी अब जो है प्राइस कैसे डिमांड फिक्स होते थे, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की हेल्प से प्राइस फिक्स होते थे। और क्या होता था कि जो गुड्स हैं वो कैसे देख के बनते थे, ऐसे बनते थे कि जो कंज्यूमर्स को चाहिए वही गुड्स का प्रोडक्शन होता था, है ना। सो दे प्रोड्यूस गुड्स ओनली फॉर दोज हु हैव मीन्स टू परचेज देम। सो वो कैसे गुड्स का प्रोडक्शन करने की कोशिश करता था प्राइवेट सेक्टर, जिनके पास मीन्स यानी पैसे हैं कि वो लोग खरीद सकें। मतलब अब जैसे कि 10 कंज्यूमर हैं, अगर उनमें से 6 या 5 कंज्यूमर के पास पैसा है और वो कहते हैं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर वही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, बाकी जो जनता है, गरीब जनता है, उनको अगर ज़रूरत है तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वो ऐसे सोचेगा इनके पास पैसा तो है नहीं, मैं बना के गिर दूंगा, कौन खरीदेगा। और जब प्राइस बढ़ते थे तो क्या होता था, जो वीकर सेक्शन होता था यानी जो गरीब लोग होते थे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, इसी वीडियो ख़त्म हुआ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।